वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द ब्लॉग्स फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद जो है ब्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली चिरायु का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं काफी बिजी रहती हूँ। क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो है चिरायु के साथ मुझे बैठना पड़ता है और जो आवर्स है वो काफी लॉन्ग है, 5 आवर्स तक बैठना पड़ता है। तो उसके बाद हम कहीं घूमने जा ही नहीं रहे, क्योंकि आजकल इतना गर्मी है दुबई में कि हम कहीं जा नहीं पा रहे और ब्लॉग्स नहीं ले पा रही हूँ। तो फाइनली आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम और यहाँ पे है सुजय और चिरायु। हाय, वेयर वी आर गोइंग टुडे चिरायु? डॉल्फिन शो। तो चिरायु काफी एक्साइटेड है डॉल्फिन शो के लिए। सो हम गए थे डॉल्फिन शो, और हम गए थे डॉल्फिन शो 6 ईयर्स बैक। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, क्योंकि अभी चिरायु को एंजॉय करना है डॉल्फिन शो। तो हम जाने वाले हैं क्रीक पार्क। तो काफ़ी दिन हो चुका है और काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर निकले हैं, और अभी क्लाइमेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दुबई की जो क्लाइमेट है वो अभी काफ़ी हॉट है, 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम बिल्कुल भी मतलब निकलते नहीं है घर से बाहर, मगर आज हम निकले हैं। और आज हमारा जो शो है वो है 2 o'clock का शो हमने सेलेक्ट किया है। वैसे काफ़ी सारे शोज होते हैं और अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं घूमने जा नहीं सकते। और मैं जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल मिस कर रही हूँ, क्योंकि हर साल हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, मगर इस साल हम कहीं पे भी नहीं गए। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुका है हमने ट्रैवल नहीं किया। मेनली हम इंडिया में भी नहीं जा पा रहे हैं। सो होप कि जल्दी सब ठीक हो जाए और हम घूमें। तो हमने तो वैसे वैक्सीन ले लिया है, मगर हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। सो देखते हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम घूमेंगे, राइट? यस। तो एंट्री फीस कितना है इसका, डॉल्फिन शो का? हाँ पता नहीं, यहाँ अंदर जाके देखते हैं। पार्क का एंट्री 5 dirhams है। ओके, आपको नॉल कार्ड से करना पड़ेगा। ओके, बाकी अब अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, डॉल्फिन शो के लिए हमें यहाँ पे लेना है। Let's go inside. Sir, last 2 minutes, please. No, Dubai. Okay, take 2 minutes. तो हमने हमारा टिकट जो है ले लिया है, और टिकट प्राइस है अडल्ट के लिए 100 और किड्स के लिए 50 dirhams, मगर हमें डिस्काउंट मिला है, तो 50 dirhams जो है वो हमें डिस्काउंट के बाद हुआ है। Are you ready? Hey! Are you sure? Yeah! Yeah!
how dolphin is jumping. कैसे था? काफी अच्छा था, कितने अच्छे से मतलब डॉल्फिन को उन्होंने ट्रेन किया होगा ना, काफी सालों तक ट्रेन किया होगा क्योंकि इतना अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। चिराई भी बहुत एंजॉय किया। हाँ, चिराई ने बहुत एंजॉय किया, मेनली किड्स एंजॉय करेंगे। और अगर आपको फोटोज लेना है तो अलग से आपको टिकट बाय करना पड़ेगा और जाके आप डॉल्फिन के साथ पिक्चर कर सकते हो। Hi Laukik. How are you? Sati. Sati. Sheila ko friends mil gaye. Sare sare log late aaye hain show ke liye. Sab late hai, It's color. Bola kaisa atla dolphin show. Ye dekho ye bhag rahe hain na, ye sabse late aaye. पैसा वसूल शो था कि नहीं? पैसा वसूल। यू दिस इज फॉर मम्मा। नो से गर्मी बहुत है, आप विदाउट एसी बैठ नहीं सकते ज्यादा देर यहाँ में। वैसे वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठेंगे। सब लोग डरते हैं मेरे व्लॉग से, कभी ये कैमरा ओपन करती है पता ही नहीं चलता। बच्चे के पॉपकॉर्न खुद खा रहे हैं। झाड़ावर चढ़ जाने वाले हैं लंच, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका है और अभी सबको भूख लग रही है। या दिस इज द फर्स्ट शो। यू लाइक डॉल्फिन शो? या यस। हाउ टू प्ले? आई सेट द रिमोट। यू हैव टू रिमूव। या मम्मा हाउ टू रिमूव? आई डोंट नो। यस दिस। या एंड वन मोर फॉर मम्मा। ओके, आई एम नॉट टू फाइट। नेक्स्ट वीक का प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे। क्या करने वाला है? पार्टी होने वाला है, अभी श्रावण स्टार्ट होने वाला है। पुलाव है तो श्रावण से पहले अच्छे से बैठ के नॉन वेज खाना है किसी के घर पे। और हमारे यहाँ पे है कुक, स्पेशल कुक, लॉबस्टर स्पेशल बनाने वाले। लॉबस्टर का मेन्यू फिक्स हो गया है, ये लोग जाके क्या मेन्यू है? लॉबस्टर बटर गार्लिक अगले ब्लॉक में हम सब मिलेंगे। लॉबस्टर खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं फिश मार्केट, तो उस टाइम पे हम लोग वापस मिलेंगे। मास्टर माधुरी बताएंगे। और कांचन ने भी कुछ बोला है, वो क्लीन करेगी लॉबस्टर। लाइव लॉबस्टर लाइव रहेगा। शीला को क्या करने वाली है? वो डिस्पोजेबल रहेगा, थ्रो यूज एंड थ्रो। मैं यूज एंड थ्रो ला के रखूंगी। बच्चों को कौन देखेगा? अभी अभी मामा जी भी नहीं है, मामा जी इंडिया गया। आ गया स्टार्टर। यस।
क्या है इसमें? ये चिकन तंदूरी है और ये मलाई और ये चिकन टिक्का, चिकन टिक्का, चिकन रोटी और चिकन की है ना, है तंदूरी है मलाई फ्रेंच फ्राइज, चिराग लाइक फ्रेंच फ्राइज ना, स्किल्ड वाला आदमी चाहिए। हाँ थोड़ा बोला ना, ये हलू 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 प्रेमा नहीं है, बोला ना आराम से हम लोग क्या को बर्थडे केक कट अच्छी तरह की डाउन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बिरयानी के साथ बर्दा बिरयानी सिंग अ सॉन्ग। चाय चाय चलो चलो, चाय के साथ स्नैक्स भी मिलेगा, बस किसी को सोना नहीं है। हमारा पेट पूजा जो है वो हो चुका है और यहाँ से जाके अच्छे से सोना है घर जाके। एक्चुअली यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, हमने सोचा था कि यहाँ से हम पार्क जाएंगे मगर हम पार्क नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा धूप है, तो पार्क में हम घूम नहीं सकेंगे, तो इसलिए अभी हम घर जाएंगे और हमें सब लोग जो है घर अभी ज्वाइन करने वाले है तो वहाँ पे हमारी चाय पार्टी होगी। आई होप कि आपको ये ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल सादा सा ब्लॉग था। वैसे आजकल बहुत ही घूमना जो है हमारा कम हो रहा है बिकॉज एक्चुअली शीला ना बहुत लेजी हो गई है, तो आप लोग थोड़ा एंकरेज करो उसको ज्यादा ब्लॉग करने के लिए, मैसेज करते रहो उसको कि ब्लॉग करो करो, अभी जाके वो कुछ करेगी। तो लाइक मेनली काफी कंफ्यूजिंग है, कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो ज्यादा साउथ से है और कुछ लोग दुबई से है, तो लैंग्वेज भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी किसी को चाहिए कन्नड़ा में, किसी किसी को चाहिए मराठी में और किसी किसी को चाहिए हिंदी में, तो मैं भी कभी कभी टोटली कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से लैंग्वेज में जो है मुझे ब्लॉग करना चाहिए। तो तीनों में करो ना, वीकली तीन वीडियो करो, तीनों लैंग्वेज भी कर दो। बापरे ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ के जो सब्सक्राइबर्स है उन्हें अगर मैं कन्नड़ा में करूंगी तो नहीं समझ में आएगा, तो हिंदी कॉमन सही रहेगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं उन्हें जिन्हें कन्नड़ा नहीं समझ में आते हैं, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि तू हिंदी में ब्लॉग कर, तो मैं काफी कंफ्यूजिंग होती हूँ और बीच में मैंने ऐसी मूड ऑफ होके छोड़ दिया। अभी देखते हैं अगर मुझसे हो सका तो मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग ट्राई करूंगी डालने के लिए, होपफुली सजय मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री घुमाने लेके जाएंगे। हाँ क्योंकि अभी जुमेरा लेके जाऊंगी दुबई, अभी मुझे बोर हो चुका है, मुझे कहीं और जाना है। इतने महीने में शीला ने भी बहुत पैसा जमाया, कितना पैसा बहुत पैसा चला जमाया शीला ने, तो अभी वो एक कंट्री का स्पॉन्सर। मुझे कुछ नहीं, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस आप लेके जाओ, बस थोड़ा सा रिस्क लेना है, कोरोना का रिस्क, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी जाने के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड यूज होगा। मैं अभी स्पॉन्सर करूंगी बट उसके बाद मैं पैसा वसूल भी करूंगी, राइट। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो मैं मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, चिरो बाय, चिरायु से बाय बाय।